दोस्तों इन तीन चीजों का सेवन आपको रोजाना करना है। ये कमाल की तीनों चीजें हैं। ये शुगर नहीं होने देती, अगर हो चुकी है तो उसे ठीक कर देती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करती है, पेट के रोग, मोटापा, आंखों की कमजोरी, शरीर में खून की कमी और दिल से जुड़ी बीमारियां तो ये बिल्कुल होने ही नहीं देती। रात को सोते टाइम आपने हल्के गुनगुने पानी के साथ इनका सेवन करना है। पूरी जिंदगी आपको पेट के रोग नहीं होंगे, हड्डियां और आंखों की कमजोरी दूर हो जाएगी, खून की कमी, कमजोरी और हार्ट अटैक आपको कभी नहीं आएगा, आपके शरीर के हर प्रकार का दर्द का इलाज हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चमत्कारी नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस नुस्खे में तीन चीजों के बारे में बताएंगे। आपको इन तीनों चीजों को मिलाकर इसका सिर्फ एक चम्मच मात्रा में रात को सोते टाइम गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये आपके शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत कर देगा, आपको पूरी जिंदगी पेट के रोग नहीं होंगे, ना ही आपको कभी कब्ज की समस्या, पेट में गैस, एसिडिटी ये समस्याएं होंगी। यह नुस्खा आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी का इलाज कर देगा, खून गंदा है उसको साफ कर देगा, गाढ़े खून को ये पतला कर देगा, यानी कि खून से जुड़ी बीमारियां भी आपको नहीं होंगी। मोटापे के लिए तो ये नुस्खा रामबाण है। ये पेट में या कमर में जमा चर्बी को मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, शरीर के होने वाले दर्द को भी दूर कर देता है। कोलेस्ट्रॉल, अगर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है यानी खून गाढ़ा होने के कारण हमारी नसों के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाती है उसको भी ये दूर करता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में नहीं बढ़ेगा तो ना ही तो हमें हार्ट ब्लॉकेज आएगी और ना ही कभी हमें हार्ट अटैक आएगा, तो ये हार्ट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। दोस्तों ये शरीर के अंदर शुगर की बीमारी को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। यदि आपको पहले से शुगर की बीमारी हो चुकी है तो इसको कंट्रोल करता है और उसके कारण जो अंग यानी कि जो चीजें काम करना कम कर देती है, जैसे आंखों की रोशनी कमजोर होना, कानों से कम सुनाई देना या फिर नंबनेस, हाथ पैरों का सोना, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं वो हमारे शरीर की किसी मशीन से शुरू होती हैं। जब हमारी मशीन में जंग लग जाती है, हमारी मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाता है, तब दोस्तों हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे कि आप मानिए कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन जो है वो खराब हो चुका है, तो आवाज करेगा ना, इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा, गाड़ी अच्छे से काम नहीं करेगी। वैसे ही हमारे शरीर का पाचन तंत्र हमारे शरीर की मशीन है। यदि यही मशीन सही से काम करेगी तो हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, हम निरोग रहेंगे। अगर ये मशीन अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। ये दोस्तों ये नुस्खा हमारी इसी मशीन को रिपेयर करने का और ठीक रखने का काम करता है। डायबिटीज कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है, पेट के रोग, मोटापा, आंखों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी और शरीर में आए किसी भी तरह के दर्द यानी कि वात, पित्त और कफ, इनसे जुड़ी समस्याओं का, इनसे जुड़े होने वाले रोगों को भी ये दूर करता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसमें कौन सी तीन चीजों में से पहली चीज है। दोस्तों अजवाइन, अजवाइन के फायदों की बात करें तो एक अलग से वीडियो बन जाएगी। ये डायबिटीज को तो क्योर करती है, मोटापे को तो कम करती ही है, साथ ही साथ ये पेट के रोगों को दूर करती है, यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करने का काम करती है। दूसरी चीज है इसमें दोस्तों सौंफ। दोस्तों जब हम सौंफ वाला दूध पीते हैं तो हमारा शरीर निरोग होता है, शरीर में खून जो है उसकी कमी पूरी हो जाती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। छोटे बच्चे का जब भी पेट साफ नहीं होता, पेट खराब होता है या पेट दर्द होता है तो उन्हें सौंफ वाला पानी पिलाया जाता है ताकि उसका पेट जो है वो अच्छे से काम कर सके, पाचन तंत्र दुरुस्त हो सके। दोस्तों ये सौंफ आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, डायबिटीज रोगियों के लिए तो एक वरदान है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है। और तीसरी और लास्ट चीज है काला नमक। काले नमक के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों जो सफेद नमक होता है ना उसके तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन काला नमक के कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। दोस्तों आप इस नुस्खे को कम मात्रा में बनाकर रखिए या अधिक मात्रा में, कैसे भी बनाकर रख सकते हैं, अधिक मात्रा में बनाकर भी रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने 5-5 चम्मच अजवाइन और सौंफ के लिए लिए, 5 चम्मच अजवाइन के लिए, 5 चम्मच आपने सौंफ के लिए, इसमें सिर्फ आपने 2 चम्मच आपने काला नमक लेना है। आपने इन तीनों चीजों का अच्छे से पाउडर बना लेना है। रात को सोते टाइम सिर्फ आपने 1/4 चम्मच यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा गुनगुने पानी के साथ रात को इसका सेवन कर लेना है। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगा,
आपके पेट के रोगों को दूर कर देगा। जो लोग निरोग हैं, उनको कभी भी शुगर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, पेट के रोग, आंखों से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। और जिनको ये समस्या हो चुकी है, उनको ऐसा ही सेवन एक हफ्ते तक रेगुलर करना है। दोस्तों ये बहुत आसान है इसका सेवन करना, आप बनाकर ज्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।